वैक्सीन देना जिम्मेदारी किसकी? केंद्र सरकार की या फिर राज्यों की? इस सवाल पर क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन बन रहा है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख दी है। विजयन ने लिखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यों को वैक्सीन सप्लाई की जिम्मेदारी से केंद्र पल्ला झाड़ता दिख रहा है। ये बयान कि वैक्सीन देना पूरी तरह राज्यों की जिम्मेदारी है, संघीय सिस्टम के खिलाफ है। जरूरत है कि हम एकजुट होकर मांग करें कि केंद्र की ओर से राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। विजयन के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी केंद्र पर मुफ्त टीका देने का दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को मुफ्त टीका देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए 1100 करोड़ का खर्च झारखंड नहीं उठा सकता। वैक्सीन की किल्लत और राज्यों पर बोझ का मसला बीते कई हफ्तों से सियासत की तनातनी की वजह बना हुआ है। इस बीच झारखंड में कूड़े के ढेर में वैक्सीन की डोज मिलने के आरोपों से बीजेपी को मौका मिला है। वैक्सीन सेंटर पर इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी जो है वो डोज बेकार ना जाए, लेकिन इस तरह से कई बार क्या होता है कि 10 व्यक्ति को लगना है और 8 व्यक्ति ही पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह से जो है ये डोजेस बच जाते हैं और इनकी वजह से बर्बादी हो जाती है। लेकिन इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कहीं से भी वेट कर लें, इंतजार कर लें, ताकि कोई आ जाए तो उसको हम लगा दें। हालांकि राजस्थान सरकार के मुताबिक 18 से 44 उम्र वालों की कोई वैक्सीन वेस्टेज राजस्थान में नहीं हुई है और 45 से ऊपर वालों की सिर्फ 2% वैक्सीन वेस्टेज है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमत किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। जो वैक्सीन वाइल्स है वो टीकाकरण के सत्र के समाप्त होने के बाद, चाहे वो यूज्ड है, अनयूज्ड है, पार्शली यूज्ड है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संबंधित चिकित्सा संस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट पर इनको जमा करा देते हैं। वैक्सीन वेस्टेज पर राजस्थान जैसे राज्य कटघरे में है, तो वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फॉर्मूला बीजेपी की फजीहत करा रहा है। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेश में आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। वैक्सीन पर हो रही राजनीति के बीच असली सवाल है कि क्या 2021 तक सभी को वैक्सीनेशन के दावे पर सरकार खरी उतर पाएगी? आज तक ब्यूरो।